अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी लाइका मुश्ताक। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग अ व्लॉग, और बहुत ज़्यादा टाइम बाद के, मतलब इतनी ज़्यादा देर गुजर गया व्लॉग नहीं किया। आज हम ट्राई करने वाले एक न्यू फूड स्पॉट ट्राई करने वाले हैं, वो है ख़याम। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाऊँगी, ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी, सो लेट्स गो। तेरे संग इश्क ताली है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है हारे मैंने हारे। नहीं ना जाने क्यों तू ही तू। भी पहुंची तो आ जाएगी। सो यार, फाइनली हम ख़याम पहुंच चुके हैं। एंड गेस व्हाट, के यहाँ पर हम इंडोर सीटिंग की है, क्योंकि बाहर भी बहुत खूबसूरत है, लाइक माहौल तो बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत है। एंड दे हैव सर्व शॉट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यू कैन से। और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ अपनी दोस्त का जो आज, एंड हेयर आई एम वेटिंग कि वो दोस्त आ जाए ताकि हम दोनों मिलकर कुछ ऑर्डर करें। साथ में मेरी सिस्टर आई हैं, सो या मैंने इनका ये शॉट ट्राई किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स रियली अमेजिंग। मतलब आपको ना रिफ्रेशिंग सा, फ्रेश सा टेस्ट लगेगा। ये आए तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें तो फ्री में ही मिला है, आई थिंक सो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है शायद, बट पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि एम्बियंस वाकई बहुत अच्छी है और रश भी काफ़ी लगा हुआ है, एंड प्राइसेस के हिसाब से ही है एम्बियंस। सो फाइनली फूड हैज अराइव्ड। अच्छा, मैं आप पता क्या कहने लगी थी, कहने लगी थी क्वांटिटी बहुत कम है, और आयशा का कहना है कि आप लोगों ने अपने पैसों पे नहीं आना इस रेस्टोरेंट किसी और के पैसों पे आना है। हाँ अच्छा, ये भी सीक्रेट रखना है हम लोगों ने रील के अंदर, भी व्लॉग में तो हम बता सकते हैं कि हम पीआर पे आए हैं, वरना हम पैसे जाया ना करें, वरना हम पैसे जाया ना करें। रशियन सैलेड सबसे ज़्यादा मज़े का था, बर्गर भी बहुत मज़े का था, ये मुझे बस ठीक लगा प्लेटर। मतलब क्वांटिटी भी कम थी, और ये कि मतलब हाँ, तो बीइंग ऑनेस्ट क्वांटिटी कम थी। हम क्यूलिन भी गए हैं, हम हर जगह गए हैं, बट उनकी इससे ज़्यादा अच्छी थी। पास्ता सोसो का नाम ऑर्डर करना, पैसे जाए। और उसके बाद मैंने ग्लोरिया जींस का खाया था, उनका पास्ता बहुत मज़े का था, और भी जगह से खाया है। अच्छा, उसके अलावा क्या कहने लगी थी मैं, इनके इनके चावल आयशा टेस्ट किए किस तरह के थे, ठीक है, तो रिकमेंडेड भी है और नहीं भी, आप लोग देख लेना अपने। बहुत अमीर हो तो आ जाना, नहीं अमीर हो तो फिर किसी और पे चले जाना, लाइक इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट वाले और बेहतर मिलेंगे। एम्बियंस नो डाउट, फूड से ज़्यादा एम्बियंस इनकी अच्छी है। कुछ होना हो रेस्टोरेंट के अंदर, टिश्यूज आया होना इस मस्त। नहीं ये वो है खान, नहीं है दूसरा कजन है, स्पॉटेड बाय आयशा, ये मिस आयशा ने स्पॉट की है। पता है हम पिक्चर्स ही ज़्यादा पसंद करते हैं। चलो बैठो, मैं बताती हूँ। चिड़ियाघर भी है, प्ले लैंड भी है, सब कुछ है इधर। सच में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक खूबसूरत है, आ जाते हैं बैठने, एक बार विजिट करना चाहिए। ठीक है, सो बातों की एक बात, लेकिन एम्बियंस की वजह से ना एक बार आप सब लोग जाकर ज़रूर विजिट करें। मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि इन्होंने पूरे रेस्टोरेंट में सब कुछ बनाया है, लेकिन मिरर्स नहीं लगाए, लाइक लड़कियाँ उसकी दीवानी होती हैं। हाँ, हर स्पॉट इनका ना पिक्चर स्पॉट है, लेकिन मिरर के बगैर
अब जब नोटिस किया कि इन्होंने मिरर नहीं कहीं लगाया, वरना लड़कियों को मिरर ज़्यादा पसंद होता है। बाकी एस्थेटिकनेस टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी है, फूड से ज़्यादा मैं इनकी एम्बियंस की दीवानी होगी। तो या अगर तो है आप लोगों के पास सही वाला पैसा, ऑनेस्टली बता रही हूँ कि अगर आप लोग ठीक है कहीं पैसे ज़ाया करना चाहते हैं कि ठीक है यार ज़्यादा पैसा आ गया, तो फिर आप इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखा आप लोगों ने किस तरह का मेरा हाफ डे गुजरा, क्योंकि सुबह से तो आप लोगों ने देखा ही नहीं, खैर इन बिटवीन जो हुआ वो सब आप लोगों ने देखा। आई वाज नॉट सेइंग कि मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने चाहती थी, क्यों मैं दो महीने ऑफलाइन थी, लाइक आई वाज थिंकिंग कि कुछ ऐसा कॉन्टेंट लाया जाए जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, तो इस वजह से आई वॉज वर्किंग ऑन इट, मगर कुछ भी नहीं आया ठीक है जहन में। बट स्टिल मैं कुछ ऐसा लेके आऊँगी जो इतना वर्थ इट हो कि आप लोग वॉच करें और आप लोगों को मज़ा आए, और यूनिवर्सिटी भी जल्द मेरी स्टार्ट होने वाली है। सो या मैं कुछ ऐसा सोचूंगी कि कुछ ऐसे चैलेंजिंग मतलब कंटेंट लेके आऊँ जो कि आप लोगों के लिए वर्थ इट हो वॉच करने के लिए, या फिर कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही लेके आऊँ, लाइक यू गाइस आस्क मी समथिंग लाइक वेट लॉस वेट गेन एंड ऑल दैट। बट अभी तो मैं खुद स्टडी कर रही हूँ और मेरे 2 साल हुए हैं, तो अभी तो उन्होंने हमें डाइट प्लान तक बनाना नहीं सिखाया, तो मैं आप लोगों को कुछ गाइड नहीं कर सकती, इसलिए मैं आप लोगों की डीएम्स का रिप्लाई नहीं करती इंस्टाग्राम पे रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। सो या दैट्स व्हाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले व्लॉग के अंदर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें थी, बट राइट नाउ आई एम सो मच टायर्ड वहाँ से होके आके, सो अब मैं सोना जाऊँगी, मोबाइल खूब सारा यूज़ करूँगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ठीक है, लगता है आप लोग भूल गए होंगे लेकिन आप लोगों ने नहीं भूलना, जल्दी से जाके करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया।